देश में बिजली संकट और कोयले की कमी को देखते हुए दुनिया की सबसे बड़ी कोयला कंपनी कोल इंडिया 7 साल बाद कोयले का आयात करने जा रही है। इस संबंध में बिजली मंत्रालय ने एक पत्र जारी किया है। आपको बता दें कि 2015 के बाद यह पहली बार होगा कि कोल इंडिया कोयला इंपोर्ट करने जा रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि अप्रैल में हुए बिजली संकट जैसी स्थिति दोबारा ना बने। इस दौरान भारत को 6 वर्षों से अधिक समय में सबसे खराब बिजली कटौती का सामना करना पड़ा था। केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने 28 मई को पत्र में लिखा है कि कोल इंडिया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पर कोयले का आयात करेगी और राज्य के बिजली उत्पादकों और स्वतंत्र बिजली उत्पादकों के ताप बिजली संयंत्रों को सप्लाई किया जा सकेगा। यह पत्र सभी उपयोगिताओं, संघीय कोयला सचिव और कोल इंडिया के अध्यक्ष समेत शीर्ष संघीय और राज्य ऊर्जा अधिकारियों को भेजा गया था। आपको बता दें कि भारत के ऊर्जा क्षेत्र में कोयले के भंडार में कमी और उसके चलते बिजली की कटौती की खबरें हाल में सुर्खियों में थी। आशंका तो ये भी जताई जा रही है कि मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में कोयले की मांग 784.6 मिलियन टन होगी, जो पहले के अनुपात 3.3% ज्यादा है। तो वहीं रॉयटर्स ने पावर मिनिस्ट्री के प्रेजेंटेशन को देखा है, जिसमें बिजली संकट को दर्शाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।